मदरसा फीस इस सिद्दीकी नूरुल कुरान में 17 बच्चे मिले गायब, 75% लग रही हाजिरी बिना मान्यता के मदरसा संचालित। शिवपुरी जिले में शनिवार को बाल आयोग भोपाल की टीम ने स्कूल पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें बदरवास के मदरसे पर भी टीम पहुंची, जहां मदरसा बिना मान्यता के संचालित मिला और किसी भी स्कूल के विद्यार्थी रजिस्टर्ड नहीं है। उन्होंने बताया कि अपने घर से कहीं रजिस्टर होना, लेकिन अगर रजिस्टर की यह बात है तो बच्चों की मदरसे में 75% अटेंडेंस कैसे लग रही है। बाल आयोग की सदस्य डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने बताया कि मदरसे को ना ही ग्रांट मिल रही है, ना ही मदरसा संचालित करने की कोई मान्यता उनके पास है। मदरसे में 17 बच्चे रहे हैं, लेकिन वहां पर एक भी बच्चा हाजिर नहीं मिला। डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने बताया कि मदरसे के संचालक काजी मोहम्मद शराफत है। वहां पर एक तो उनको मान्यता ही नहीं है, बिना मान्यता के ही मदरसा संचालित। कितने किस क्लास तक के विद्यार्थी थे वहां पर? कोई भी विद्यार्थी, कोई भी बच्चा, किसी विद्यार्थी, किसी का विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी वो नहीं, किसी स्कूल में रजिस्टर्ड नहीं। और उन्होंने कहा कि वो होगा तो अपने ना घर पे होगा कहीं रजिस्टर्ड, तो वो रजिस्टर्ड अगर वहाँ पर है, बच्चा यहाँ रह रहा है, तो स्कूल में जा कौन रहा है? 75% अटेंडेंस उसकी कैसे दे दी गई होगी अगर पढ़ रहा है तो, उनका जो कहना है। पर उनका ये कहना था यहाँ पर सिर्फ 17 बच्चे। मदरसे को ग्रांट मिल रही है क्या? नहीं मिल रही। कितने बच्चे? 17 बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे। तो ग्रांट नहीं मिल रही तो फिर किस तरह संचालित किया जा रहा है मदरसा? ये तो उन्होंने वो बताएंगे अपना इनकम का मामला, वो सरकार चेक करे कैसे। हेड कौन है मैडम? इसके हेड कौन है? क्या आपने आय व्यय का लेखा कोई चेक किया वहाँ पर? आय व्यय का कोई लेखा जो चेक किया वहाँ पर? अपनी चार्टर शीट दी थी, वो बैलेंस शीट दी थी केवल, पर उन्होंने ये नहीं बताया पैसे की रसीद वगैरह, क्योंकि सोसाइटी से संचालित है वो, सोसाइटी का उन्होंने अपना बायलॉज दिया। अच्छा, मतलब सोर्स ऑफ इनकम नहीं बताया गया? नहीं, सोर्स ऑफ इनकम।